नमस्कार, महुआ खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षा जगत में इस समय स्कूल की टाइमिंग को लेकर बवाल मचा है, और बवाल क्या, यूं कहें कि शिक्षकों में एक तरह का उबाल है, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है जिसको लेकर, क्योंकि बिहार में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है और उस समय स्कूल खुला, और जिस समय तमाम जितने स्कूल हैं वहां पे गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, वहां पे बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई और पठन पाठन का काम फिर से शुरू हुआ, क्योंकि सरकार के मुताबिक गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई है। हालांकि शिक्षक के लिए कोई गर्मी की छुट्टी नहीं थी, लेकिन जो स्कूल की टाइमिंग की गई है वो 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, यानी जब स्कूल खत्म होगा उस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। और अभी जो दृश्य देखने को आ रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे देखने को आ रहा है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं स्कूलों में, शिक्षक बीमार पड़ रहे हैं, और इसी को लेकर काफी आक्रोश है, और आक्रोश इस बात को लेकर भी है, साथ ही साथ शिक्षकों की ये भी डिमांड है, या फिर डिमांड क्या कहें, या फिर ये कहें कि एक उनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो शिक्षक प्रतिनिधि शिक्षक के वोट से जीतकर विधान परिषद में जाते हैं, उन्होंने अभी तक क्या किया। अभी चुनाव का समय चल रहा है, अभी तक चुनाव के समय, इस समय जो अभी स्थितियां बनी हुई है, कोई अभी इस समय कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। अभी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने एक लिस्ट जारी की है 12 MLCs की, कि ये लोग शिक्षकों के वोट से जीतते हैं, और उसके बाद लेकिन अभी तक किसी ने शिक्षकों के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई है। जो लिस्ट आई है, जो सूची आई है संघ की तरफ से, मैं उन एमएलसी का नाम पहले बता देता हूं। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से नीरज कुमार, अवधेश नारायण सिंह, देवेश चंद्र ठाकुर, वीरेंद्र नारायण यादव, सर्वेश कुमार और एनके यादव का नाम है। साथ ही साथ टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से नवल किशोर यादव, जीवन कुमार, संजय कुमार सिंह, आफाक आलम, डॉक्टर मदन मोहन झा, संजीव कुमार का नाम है, क्योंकि ये तमाम ऐसे 12 MLCs हैं जो शिक्षकों के वोट पे जीतते हैं। और अब आक्रोश फूट रहा है। क्यों आक्रोश है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ इस समय बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम जी हैं। विक्रम जी, क्यों 12 MLCs के नाम आपने लिए हैं? आपने जो प्रेस रिलीज जारी की है, आपके संघ की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ, शिक्षा विभाग का आदेश है और के पाठक सुन नहीं रहे हैं, तो फिर 12 MLCs पर इतना आक्रोश क्यों? देखिए सर, शिक्षा विभाग और माननीय अपर मुख्य सचिव साहब तो जो कर रहे हैं उससे सब शिक्षक आक्रोशित हैं ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पिछले एक साल से लगातार शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती हो रही है। आपने देखा होगा होली जैसे पर्व में शिक्षकों को विद्यालय बुलाया गया, जन्माष्टमी, रामनवमी, इन सब की छुट्टियों को लेकर के विवाद चलता रहा है। आगे आने वाले समय में दुर्गा पूजा और छठ पूजा में विशेष कटौती की गई छुट्टियों, ये सब शिक्षकों की नाराजगी का वजह है, जिससे कि माननीय अपर मुख्य सचिव साहब और सरकार और शिक्षा विभाग से तो नाराज हम हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बड़ी नाराजगी है इन एमएलसी महोदयों के खिलाफ। ये लोग सीधे तौर पर शिक्षकों के वोट से जीतते हैं। हालांकि हम वोट तो सभी चुनाव में देते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में, लेकिन विधान परिषद में 12 सीटें ऐसी हैं जहां शिक्षकों के डायरेक्ट वोट से जीत होती है इनकी, जिनमें 6 शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं और 6 स्नातक प्रतिनिधि। बिहार में अधिकांशतः स्नातक प्रतिनिधियों को जो वोट देने वाले जनता है वो शिक्षक है। हमारे ही वोट से ये स्नातक वाले और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र वाले जीतते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, हमारे वोट से तो जीतते हैं, लेकिन इस लू के समय में जब शिक्षकों को 1:30 बजे तक स्कूल में रखा जा रहा है, सुबह 6 बजे अंधेरे में विद्यालय बुलाया जा रहा है, ऐसे समय में ये 12 के 12 MLC अपने घरों में, एसी महलों में चुपचाप बैठे हुए, हम सड़क पर लू के थपेड़े खा रहे हैं, हमारी शिक्षिका बहने इस प्रचंड गर्मी में बेहोश हो रही हैं, हमारे शिक्षक साथी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, और ये जो 12 MLC है जिनका सूची और नाम और नंबर मैंने सब जारी किया है, ये लोग अपने एसी महलों में बैठ करके हवा खा रहे हैं और शिक्षकों को दिखाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। मैंने आज ही देखा डॉक्टर मदन मोहन झा, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने एसी महल में 5-6 MLC महोदयों के साथ मीटिंग की है। भाई मीटिंग, अरे आंदोलन का वक्त है, सड़क पर उतरना चाहिए आपको। मैं आह्वान करता हूं सभी माननीय MLC महोदयों को, आप सड़क पर उतरिए, राजभवन और सीएम हाउस के सामने जो गोलंबर है उस गोलंबर पर जाकर के धरना दीजिए,
अन्यथा आप ये जो दिखावे के लिए मीटिंग और चिट्ठी का खेल आप एक साल से खेल रहे हैं, हम लोग अच्छी से समझ रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, कोई अनपढ़ गवार जनता नहीं है जिनको आप ठग लेंगे। ये चिट्ठी लिख करके और मीटिंग करके बहुत चिट्ठी आप लिख लिए, अब सड़क पर आपके उतरने का समय है। आप यदि आज सड़क पर नहीं उतरे तो शिक्षक आपको अपने सत्ता से अपनी कुर्सी से बेदखल कर देगी। अगला चुनाव आप जीतने नहीं जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी शिक्षक प्रतिनिधि हो चाहे स्नातक प्रतिनिधि हो, वो मुंह खोल करके वोट नहीं मांग पाएंगे शिक्षकों से। आज हम पीड़ा में है, कष्ट में है। विक्रम जी, अभी आपने जो जिक्र किया कि डॉक्टर मदन मोहन जाके घर पे 6 MLCs की बैठक हुई है और उस बैठक में यह फैसला हुआ है कि मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा इन तमाम मुद्दों को लेकर, खास करके स्कूल की टाइमिंग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा, तो चिंता तो शायद है उनको। अरे ये दिखावे की चिंता है, ये ज्ञापन ज्ञापन क्या खेल रहे, यहाँ शिक्षक मर रहे हैं लू से, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, किसी का मुंह फूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, और आप ज्ञापन ज्ञापन खेल रहे हैं। ज्ञापन देने हमें नहीं आता है क्या? हम भी ज्ञापन कर देंगे सीएम साहब को, ईमेल उनके सीएम डैशबोर्ड पे भेज देंगे, इससे क्या हो जाएगा? आप एफर्मेटिव एक्शन लीजिए ना। अगर आपकी बात मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, शिक्षा विभाग नहीं सुन रहे हैं, आप इस पद पर क्यों बने हुए? आपको हमने वोट किस लिए दिया था? शिक्षक प्रतिनिधि कहलाते हैं आप, अतः शिक्षक प्रतिनिधि मतलब हमारे डायरेक्ट आप प्रतिनिधि हुए, और आपका बात ही नहीं चल रहा है। कुछ तो इसमें सत्ताधारी दल के MLC हैं, जीवन कुमार जी गया से हैं, BJP से हैं, संजीव बाबू हैं कोसी से, वो JDU से हैं, वीरेंद्र नारायण यादव स्नातक हैं, वो JDU से हैं, तो सत्ताधारी दल के भी इसमें MLC हैं, प्रोफेसर नवल किशोर जी हैं, वो भी BJP से हैं। तो ये लोग तो सत्ताधारी दल में, हम मुख्यमंत्री नहीं सुने, ये दीजिए इस्तीफा, नहीं अपने पद से दे सकते, कम से कम अपने दल से तो इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए भाजपा और JDU की सदस्यता। आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, अपमान हो रहा है, आप क्यों बने हुए अपने दल बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अब शायद ध्यान है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, अभी ऐसे में आंदोलन धरना प्रदर्शन कैसे होगा? अरे आंदोलन नहीं होगा, इस्तीफा तो हो सकता है। इतने सारे नेता दल बदल रहे हैं, इस दल से उस दल, उस दल से उस दल जा रहे हैं, ये माननीय MLC लोग कम से कम जो सत्ताधारी दल में हैं उससे इस्तीफा दे दें। नीरज जी हैं JDU के मुख्य प्रवक्ता हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि 10 से 4 विद्यालय होना चाहिए। किसको लिखते हैं? तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखते हैं। के पाठक से जाके डायरेक्ट क्यों नहीं मिले? क्या मुख्यमंत्री तक उनकी पहुंच नहीं है? मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मिले, और नहीं मानते मुख्यमंत्री जी तो छोड़ दें अपने दल के सदस्यता। सड़क पर प्रदर्शन करने में आपको दिक्कत है, आप अपने MLC आवास जो मिला है, फर्स्ट क्लास महल जो बना है आपके लिए, ड्यूप्लेक्स महल, उसी महल के गार्डन में तो धरना दीजिए। सबको आवास मिला है, MLC आवास में देखते होंगे, अटल पथ के बगल में, सचिवालय के पीछे में, उस आवास में जो गार्डन है वहीं पे 12 MLC तख्ती लेकर के बैठ जाइए कि जब तक विद्यालय का टाइमिंग नहीं सुधार होगा हम लोग यही धरना पे देते रहेंगे। आवास के सामने धरना दीजिए, सड़क पर आप नहीं उतर सकते हैं, आवास पे तो धरना दे सकते हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। शिक्षक लोग समझ गए हैं कि ये सिर्फ ये ज्ञापन ज्ञापन चिट्ठी पत्री एक तरफ दिखावे के लिए है, और अंदर ही अंदर ये सब लोग मिले, ये सब मिल करके शिक्षकों का शोषण करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, मीठी मीठी बातें करके चले आते हैं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता है। अरे 10 से 4 विद्यालय के लिए इतना हल्ला हंगामा हुआ, क्या हुआ? लागू नहीं हुआ, उसके बाद ये लोग क्या किए? चुप बैठ गए। क्यों चुप बैठ गए भाई? चुनाव में वोट मांगने के लिए घूमते हैं। अब तो ये जहां वोट मांगने निकलेंगे इनका घेराव होगा, और भी अगर बात नहीं मानी इन्होंने, इन्होंने हमारे उम्मीदों के अनुसार विरोध नहीं किया, अपनी पार्टी से सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, तो इनके मुंह पर काली भी पोतने का काम करेंगे शिक्षक। हमने यदि वोट देकर के जितवाया है, हमने आपको यदि यह कुर्सी और यह इज्जत दी है, हम यह छीनना भी जानते हैं। हमारे वोट से आप AC महलों में आराम करेंगे, और हमारे शिक्षक साथी इस गर्मी में देखिए क्या हालत हो गई है, इस गर्मी में, इस पसीने में हम लोग लू से मरे। बताइए तो ये कौन सा पूरे देश में कहां पर विद्यालय चलता है सुबह 6 से 1:30 बजे तक? जी लगातार सोशल मीडिया पे मैं भी देख रहा हूँ, लगातार नजर इस बात को लेकर है, कई ऐसे स्कूलों के दृश्य सामने आए हैं जहाँ पे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं बहुत बुरी तरह से। एक जगह तो मैंने देखा कि 3-4 बच्चों को लू लगी हुई है, वैसे प्लास्टिक के पे उन्हें लिटाया गया है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप शिक्षक बोल रहे हैं कि शिक्षक विरोध करेंगे, वोट नहीं देंगे, अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहा है, उस समय भी कहा गया था कि तमाम जितने भी शिक्षक हैं वोट नहीं देंगे, नोटा दबाएंगे, लेकिन ऐसा तो होता कुछ दिख नहीं रहा, चार चरण के चुनाव हो चुके। बिल्कुल चार चरणों में हुआ है ये, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जो इन चार चरणों का रिजल्ट आप देखेंगे तो जब रिजल्ट जिस दिन 4 जून को आएगा आप देखिएगा हमारे वोट का चोट चुनाव के रिजल्ट के दिन पता चलेगा। शिक्षक और उनके परिजन पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ आक्रोशित, पूरी तरह से, और कहीं भी शिक्षक जो है सत्ताधारी दल को वोट नहीं दे रहे, या तो विपक्ष में वोट गिरा रहे हैं या नोटा दबा रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दलों को बिल्कुल भी वोट नहीं दे रहे शिक्षक, और देंगे भी नहीं, अब तो और नहीं देंगे, अब तो खुल करके विरोध करेंगे। क्योंकि ये कोई टाइमिंग है 6 बजे से, दीपक जी आप ये सोचिए, बच्चों का भी तो कुछ भविष्य आप देखिए, सुबह 6 बजे भूखा पेट बच्चा आएगा विद्यालय में, और गर्मी के समय लू से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या बताई जाती है कि खाली पेट नहीं रहना, कुछ खा करके निकलिए घर से। 6 बजे कौन बच्चा खा के घर से निकलेगा, 6 बजे शिक्षक अपने विद्यालय के लिए निकलेंगे, कैसे खा के निकलेंगे, और उनका भोजन कब मिलेगा, 10:30 बजे मिलना है बच्चों को भोजन, तो 6 बजे से 10 बजे भूखे पेट बच्चे विद्यालय में रहेंगे, क्या उनको लू नहीं लगेगा, क्या उनकी जान को खतरा नहीं है? शिक्षक भूखे पेट जो 10 बजे तक पढ़ाएंगे उनकी जान को खतरा नहीं है? तो ये सरकार न केवल शिक्षकों बल्कि बच्चों के भी जान से खेल रही है। मैंने उस लेटर को देखा है, बिहार में बाल आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए, मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये पूरी तरह से अमानवीय फैसला है। आप 6 बजे बच्चों को बुला रहे हैं। जी मैंने उस लेटर को देखा है अमित विक्रम जी, जिसमें स्कूल की टाइमिंग को लेकर पूरा डिटेल्स है, लेकिन साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 90% बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए। अब सुबह 6 बजे 90% बच्चे अगर नहीं आते हैं तो फिर उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को होगी या टीचर्स के ऊपर होगी कि बच्चे कम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो दृश्य देखने में आया कई स्कूलों में तो बच्चे हैं ही नहीं। सर हास्यास्पद स्थिति है विद्यालयों में, हास्यास्पद स्थिति है सर। एक एक विद्यालय की मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, बच्चे आ गए विद्यालय 6 बजे, किसी तरीके से गार्जियन ने भेज दिया और हम लोग जाकर के भी बुला लाए कि चलो स्कूल चलो स्कूल चलो, 1 घंटे विद्यालय में रहने के बाद कहता है कि सर हमको छुट्टी चाहिए। हमने पूछा क्यों चाहिए भाई, हमको आधा घंटा का छुट्टी दीजिए, हम घर जाएंगे शौचालय बताइए। हमने कहा कि भाई विद्यालय में है शौचालय उपयोग, तो नहीं सर यहाँ पे 2 ही को है, इतने सारे लोग हैं कैसे जाएंगे, हमको इंतजार करना पड़ेगा 1 घंटा, हमको आधे घंटे की छुट्टी दीजिए। 7:30 बजे वो बच्चा बोलता है कि हमको आधे घंटा की छुट्टी दीजिए, हम घर जाएंगे शौचालय जाएंगे नहाएंगे, हम भूखे पेट आ गए हैं सर, आप जबरदस्ती हमको विद्यालय बुला लिए, हमको भूख के मारे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम रह नहीं सकते हैं, कोई कह रहा है हमको शौच लग गया है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम घर जाएंगे शौचालय, अब बताइए। इस तरह का व्यवहारिक समस्या, हास्यास्पद स्थिति है सर, ये बच्चों और शिक्षकों के जान से खिलवाड़ हो रहा है, जान से। व्यवहारिक तौर पर सोचिए सर, कितने बच्चे आज समाज में हैं जो कि जिनके घर में सुबह 6 बजे उनको नहा धुला करके शौच सब करवा करके तैयार करवा करके 6 बजे बच्चे को विद्यालय पहुंचा दिया जाएगा। प्रायः बच्चे जो होते हैं सुबह 6 बजे उठते ही हैं, और बच्चों को तो कहा गया है कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, 10 बजे सामान्य स्थिति है आज गांव में भी कि लोगों के सोने का, तो 10 बजे अगर सोएगा बच्चा तो उसका 8 घंटे का नींद तो 6 बजे पूरा होगा, उसकी नींद में भी खलल डाल रहे हैं, और बच्चा ऊंघते हुए नींद में विद्यालय पहुंच जा रहा है, पहुंच रहा है तो 1 घंटे बाद कर रहा है सर हमको भूख लग गया हम घर जाएंगे, हमको शौच लग गया हम घर जाएंगे। बताइए, हम लोग जब विद्यालय के लिए निकलते हैं रास्ते में तो दिखता है कि बच्चे भाग दौड़ कर कर रहे हैं तैयार होने के लिए, गांव से जब हम लोग गुजरते हैं तो बच्चे भाग रहे हैं, हम लोग चलो तैयार हो जल्दी, इस तरीके से हम लोग सुबह सुबह करते हैं सर, और उसमें जाकर के बच्चे कहते हैं सर अभी आधा घंटा लगेगा सर, कोई गार्जियन कह रहा है अभी हमारा बच्चा नहाया नहीं है सर सुबह सुबह। अब बताइए इस गर्मी में बिना नहाए बिना शौच गए बिना खाए बच्चे विद्यालय पहुंच जाएंगे, उनको कुछ हो जाएगा, लू लग जाए, लग रहा, ये सब जगह आपको खबर मिल रही होगी, सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि बच्चों के साथ ये सब समस्या हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? बाल आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए। और स्कूल से लौटने का समय क्या है सर बच्चों के लिए? 12 बजे। 12 बजे क्या स्थिति है सर? 12 बजे क्या एक आम इंसान सड़क पर निकल सकता है?
आप उम्मीद करते हैं सर कि इस चिलचिलाती धूप में एक आम आदमी 12 बजे अपने घर से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा करे? ये गरीब समाज के बच्चे हैं सर, इनके माता पिता गरीब हैं, इनके पास यातायात का कोई साधन नहीं है, पैदल स्कूल से घर जाते हैं, 1.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल करते हैं, और उस पैदल यात्रा में चिलचिलाती धूप रहेगी, लू लग जाएगा, क्या होगा बच्चों का? ये सोचना चाहिए सरकार। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अब क्या उपाय है या फिर क्या रास्ता है शिक्षकों के पास? सरकार या फिर शिक्षा विभाग आदेश जारी कर देती है, शिक्षक जो है वो सिर्फ झुका के तमाम आदेश को मान रहे हैं। अमित विक्रम जी, अभी जो स्थिति बनी है, आप लोगों के पास क्या उपाय है? शिक्षा विभाग आदेश जारी कर देता है, शिक्षक उन तमाम आदेश को सिर झुकाकर मान लेते हैं, आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या स्टैंड होगा आप लोगों का, शिक्षकों का? नेक्स्ट, हमारा स्टैंड क्लियर है कि इस नई समय सारणी का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। चुनाव है तो है, उससे हमें कोई डर नहीं है। अब अपनी जान से बढ़कर के नौकरी नहीं होती सर। इस लू में हमारी जान चली जाएगी, हमारे शिक्षक भाइयों के साथ अनहोनी हो जाएगी, किसी शिक्षिका बहन को लू लग जाएगा, उसका जान चला जाएगा, उससे बढ़कर नौकरी नहीं है सर। आपने देखा हमारे मुंगेर जिले में इस चुनाव में जबरन ड्यूटी कराने के चक्कर में एक शिक्षक की बूथ पर मौत हो गई, हार्ट अटैक आ गया। तो इस गर्मी में जब शिक्षक निकलेंगे किसके साथ क्या हो जाएगा, किसको लू लग जाएगा, किसको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, किसको हार्ट अटैक आ जाएगा, कौन देखा है सर? तो हम जान से बढ़कर के नौकरी नहीं है, चुनाव हो चाहे कुछ हो शिक्षक विरोध करेंगे, और विरोध का पहला चरण हमने माननीय MLC महोदयों के खिलाफ फूका है। ये जो 12 के 12 MLC महोदय हैं जिनका हमने सूची जारी किया है, ये सब जल्द से जल्द 2 दिनों के अंदर सरकार से बात करके, मुख्यमंत्री जी से बात करके, चाहे धरना दे कि सदस्यता से इस्तीफा दे, ये दे करके समय सारणी में बदलाव कराए, नहीं तो संडे को ट्विटर पर कैंपेन चलेगा, ट्विटर कैंपेन रविवार को होगा, और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो विद्यालय में भी हम लोग उचित तरीके से विरोध करेंगे, चाहे काली पट्टी बांध करके विरोध करना हो कि मुंह पर टेप लगा के विरोध करना हो, लेकिन हम विरोध करेंगे, उसकी रणनीति रविवार को तय हम लोग करेंगे। 2 दिन का अभी समय हमने माननीय MLC महोदयों को दिया है, ये जो 12 के 12 MLC महोदय हैं इनको समय दिया है 2 दिन का, कि 2 दिन में समय का ये बदलाव कराएं, अगर बदलाव करा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनका भी विरोध होगा और इनकी सरकार का भी विरोध होगा। जी जाहिर सी बात है, विरोध होगा, 12 MLC के खिलाफ विरोध का बिगुल आपने फूंक दिया है, वैसे भी सरकार के जो फैसले हैं उन फैसलों का विरोध हो रहा है, अब इसका कितना नतीजा निकलेगा? 2 दिन का अभी शिक्षकों ने समय दिया है सरकार को, शिक्षा विभाग को, और तमाम जितने भी 12 MLC है जो शिक्षकों के वोट से जीतते हैं, अब कितना असर पड़ता है ये 2 दिन में ही पता चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली अमित विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।